हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। तो कई बार मैंने मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी यूट्यूब पे बताई नहीं कि मैं पर्सनल क्लासेस भी लेती हूँ। तो इस वीडियो में आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे मैं मतलब यूट्यूब के जरिए मैं पर्सनल क्लासेस भी कंडक्ट करती हूँ। किस किस के लिए, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं हमारे पास, एक मेन जो एग्जाम है, मतलब जो मेन स्टूडेंट मेरे पास आए अभी 3-4 स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में, मतलब वो पर्सनल क्लास 1-to-1, जैसे कि एक स्टूडेंट ही मेरे पास पढ़ेगा विद प्रॉपर नोट्स। ओके, तो यहाँ पे जो मेन एग्जाम है वो है हमारा अभी ASO, ठीक है। ये मतलब राजस्थान जो है वो कंडक्ट कराते हैं ये वाला एग्जाम। ओके, तो इसकी मैं प्रिपरेशन कराती हूँ मतलब एक बेस्ट तरीके से, कि कौन सा टॉपिक आपको पहले रीड करना चाहिए, मतलब पहले पढ़ना चाहिए, क्वेश्चंस वगैरह कैसे अटेम्प्ट करने हैं, इस तरीके से पूरी मतलब थोरली इसके बारे में मैं पढ़ाती हूँ, इसमें मतलब क्लासेस देती हूँ, ठीक है। और जो दूसरे एग्जाम से आप और कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, जैसे स्टेट बेस्ड ISS की जो कोचिंग होती है, ठीक है, मतलब एग्जाम होता है, उसकी भी आप कोचिंग यहाँ पे ले सकते हो, मतलब पर्सनल क्लासेस। ओके, मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मैं प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करती हूँ और उसकी बेस मैं फिर मतलब जितना एक घंटे में मतलब कवर हो सकता है 1 आवर में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं ये क्लासेस मतलब कंप्लीट कराती हूँ पूरा कोर्स, ठीक है। वो आप ऑल्टरनेटिव बेस पे भी ले सकते हैं या फिर डेली बेसिस पे भी ले सकते हैं। ओके, और जो नेक्स्ट स्टेप ये हो गया हमारा फर्स्ट ASO, सेकेंड ISS, और जो थर्ड होता है वो हमारा, जैसे कि आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, अगर मतलब जैसे कोई स्टूडेंट है 11th 12th से, आपको एकदम से ग्रेजुएशन में जंप करता है, तो उसमें क्या होता है कि 11th 12th मतलब 12th तक ना हम क्या करते हैं कि स्टैट पे इतना ध्यान नहीं देते, ठीक है, प्रोबेबिलिटी और स्टैट पे, क्योंकि हमारे एक तो लास्ट चैप्टर्स होते हैं, तो इसमें ये होता है कि अगर पढ़ लिया तो ठीक है, अदरवाइज कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जो ये स्टैट का जो टॉपिक है आज के टाइम में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मतलब पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया, या फिर सेकेंड ईयर में भी हो या थर्ड ईयर में भी हो, तो इसमें क्या होता है कि कई डाउट्स कहीं ना कहीं हमारे रह जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉलेज बेसिस पे वो हमारे हो नहीं पाते, और जैसे हम 12th में से जाते हैं तो इतना ध्यान भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी टॉपिक कवर करना है ग्रेजुएशन पे भी, अगर आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो उसके बेस पे आप मतलब कोचिंग ले सकते हो। और ग्रेजुएशन पे मतलब मैंने अभी कई जो क्लासेस है वो कंडक्ट कराई है, जैसे कि मैंने BTech स्टूडेंट को भी लाइव क्लासेस दी है, और इसमें मैंने BSc जो हमारा होता है सब्जेक्ट ऑनर्स इन स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, तो वो हमारे काफी इंपॉर्टेंट होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो अगर आपको किसी भी टाइप के यहाँ पे स्टैट में कोई टॉपिक अगर पढ़ना है, या फिर सपोज आपको कोई कोर्स पूरा नहीं करना है, ठीक है, आपको कोई एक आधा टॉपिक ही कवर करना है, जैसे कि कोरिलेशन रिग्रेशन आपको सपोज कवर करना है, तो आप पर्टिकुलरली उनकी क्लासेस भी यहाँ पे ले सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको अगर पूरे कोर्स की क्लासेस चाहिए तो आप पूरे कोर्स का पे करो, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको पर्टिकुलरली किसी एक टॉपिक में क्लास आ रही है, मतलब डाउट आ रहा है, तो हम उसको डिसाइड कर लेंगे कि मतलब कब हम शेड्यूल कर सकते हैं क्लासेस, ठीक है, तो उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, मतलब कि एक्सपीरियंस कितना है, राइट, तो हम करते हैं बात एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं स्टडी करती हूँ, जैसे ग्रेजुएशन मैंने करी, पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने करी, तो मुझे जो टीचिंग का जो है मतलब वो इसमें ये समझ लो कि एक तो मतलब इंटरेस्ट होता है टीचिंग करने, मतलब पढ़ाने में, ठीक है। और जो दूसरा है, अभी मैं करंट जो कर रही हूँ इसमें बायोस में, ठीक है, मतलब अभी इसको मेरे को 7-8 months हो गए हैं इसमें बायोस में, मतलब मास्टर्स करते ही मेरे को ये मेरी फर्स्ट जॉब थी एज अब देखी जाए, अदरवाइज मैं ट्यूशन अपने ऑफलाइन मोड में दे चुकी कई स्टूडेंट को, और अभी ऑनलाइन में भी दे रही हूँ ASO स्टूडेंट को, और अभी ग्रेजुएशन वालों को, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को भी, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपीरियंस। और जो थर्ड बात आती है वो, जैसे कि आप क्लासेस किस पे बेच लेते हो, जैसे मंथली बेस्ड, ठीक है, मंथली या फिर लाइक पर आवर। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं पर आवर मतलब क्लासेस लूँ, मतलब कि एक घंटे के हिसाब से, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जितनी आपको क्लासेस की नीड होती है, जैसे आपका टॉपिक सपोज कवर करो हो गया 5 lectures में, और आपने पे कर दी मंथली फीस, ठीक है, तो ये मतलब इतना बेनिफिट नहीं होता, इसमें लॉस ही हो सकता है, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ यहाँ पे 1 hour के हिसाब से, ठीक है। बट अगर आपको पूरा सिलेबस कवर करना है तो उसके लिए बेनिफिट होगा मंथली में, तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी क्लासेस लेनी है, राइट। अब जो थर्ड चीज मतलब वो आती है, अब नेक्स्ट जो आता है वो क्या है कि मतलब जैसे सारे लेक्चर्स का मैं ही कंडक्ट करती हूँ,
तो इसमें क्या था, अगर मेरे पास ज्यादा स्टूडेंट आते तो मैं एक और है मतलब जो टीचिंग करती है ठीक है, तो मैं उसके पास भी कुछ स्टूडेंट को ट्रांसफर कर सकती हूँ कि अब वो भी टीच करें, हम दोनों मतलब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं ठीक है, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सारी क्लासेस मैं ही लूँ ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा एक तरीका। अब मैं पढ़ाती कैसे हूँ, अब नेक्स्ट वो देख लेते हैं। तो अब क्या होता है कि मैं अपने मतलब खुद से जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में, जैसे अगर थ्योरी वगैरह तो हम डायरेक्ट बुक की जो पीडीएफ वगैरह बना के हम डायरेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट अगर कोई डेरिवेशन आ रहा है तो उसमें क्या करते हैं कि पूरा जो नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं स्टेप टू स्टेप। उसमें क्या होता है कि अगर आप खुद से भी रीड कर रहे हो उस डेरिवेशन को तो भी आप क्लियरली समझ जाओगे ठीक है, मतलब ऐसे एक्सप्लेनेशन हम वहाँ पे देते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा पढ़ाने का तरीका। और हम बेसिकली मतलब गूगल जो मीट होता है ठीक है ऐप, मतलब गूगल मीट के थ्रू हम क्लासेस कंडक्ट करते हैं कैलेंडर के थ्रू, उसमें से मतलब टाइम फिक्स कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग ठीक है। तो मेन हमारा यही था, और कॉन्टैक्ट नंबर मैं अभी यहाँ पे दे देती हूँ आपको कि कैसे आपको अगर मतलब आप इंटरेस्टेड हो या कुछ आपको इंक्वायरी करनी है तो आप कैसे मतलब इंक्वायरी करें ठीक है। तो आपको ये मैं यहाँ पे अभी कॉन्टैक्ट नंबर दे देती हूँ, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम आईडी भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ ठीक है, मतलब आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आपको मतलब मोबाइल नंबर जो होता है कॉन्टैक्ट उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। ओके, तो भाई जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फोन नंबर है ये वाला 9350964593। आपको कुछ भी अगर इंक्वायरी करनी तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट है वो आप इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्टडी विद ज्योति ये मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, तो आप यहाँ से भी कोई कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप मोबाइल नंबर से मतलब कंफर्टेबल नहीं फील करते हो। ओके, तो ये थी मतलब मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल। और एक चीज और यहाँ पे स्किप हो गई थी, जैसे नोट्स वगैरह ठीक है मैं टीचिंग कराती हूँ ऑनलाइन से, बट क्या आपको नोट्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं, तो क्या होता है कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपके पास वो ऑलरेडी वो पीडीएफ आ जाते हैं अगर आप लेक्चर ले रहे हो तो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं केवल पढ़ा रही हूँ फिर बाद में रीड ना कर पाऊँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपको हर लेक्चर के प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। ओके, सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, मतलब ये मुझे बताना था कि किस किस की मैं कोचिंग प्रोवाइड करती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस पर्सनल क्लासेस जो प्रोवाइड करती हूँ। ओके, सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।